GTA Trilogy Definitive Edition मोबाइल फोन्स के ऊपर तो रिलीज हो चुकी है और मुझे उम्मीद है आप सबने खेल ली होगी, लेकिन जिन लोगों ने नहीं खेली उन लोगों के माइंड्स में काफी सारे सवाल हैं इस गेम को लेकर। अच्छा तो बॉयज एंड गर्ल्स, तो आज हम बात करने जा रहे हैं GTA Trilogy Definitive Edition मोबाइल वर्जन के बारे में, और आज की वीडियो में हम इसके सिस्टम रिक्वायरमेंट्स के बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे मोबाइल के ऊपर ये गेम कंपेटिबल नहीं है। और साथ ही साथ मैं अपने पर्सनल ओपिनियंस भी शेयर करूंगा, क्योंकि मैंने इस गेम को खेलकर देखा है। तो अगर तुम लोग इंटरेस्टेड हो और अगर तुम लोग जानना चाहते हो तो भाई सीट बेल्ट बांध लो, पॉपकॉर्न्स पकड़ लो और हम वीडियो को शुरू कर लेते हैं। अब सबसे पहले मैंने इस गेम को ट्राई किया Helio G99 पे। अब ये वाला चिपसेट काइंड ऑफ गेमिंग चिपसेट ही है, लेकिन इस चिपसेट के ऊपर ये गेम वर्क नहीं की, क्योंकि ऑब्वियसली इतना पावरफुल चिपसेट नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा था कि कर जाएगी। लेकिन जब इसने नहीं वर्क किया, मैंने इस गेम को ट्राई किया स्नैपड्रैगन 695 पे, जो कि काइंड ऑफ काफी हद तक पावरफुल चिपसेट है, लेकिन उसमें भी ये गेम वर्क नहीं की। फिर मैंने इस गेम को ट्राई किया स्नैपड्रैगन 732 के अंदर, एंड गेस व्हाट, ये गेम फिर स्नैपड्रैगन 732 पे वर्क नहीं की। और मैं काफी ज्यादा फ्यूरियस हो चुका हुआ था कि जिन लोगों के पास मिड रेंज मोबाइल फोन्स हैं, अब वो लोग कहां जाएंगे। अब ये वाले जितने भी चिपसेट हैं ये मिड रेंज मोबाइल फोन्स पे आते हैं, स्नैपड्रैगन 732, स्नैपड्रैगन 695 और Helio G99। अब मुझे समझ लग चुकी थी कि इस गेम ने इन चिपसेट पे तो काम नहीं करना। फिर मैंने इस गेम को ट्राई किया iPhone XS Max के ऊपर और ये गेम इवेंचुअली वर्क कर गई, लेकिन ये इतनी ज्यादा स्मूथ मुझे नहीं लग रही थी। फिर मैंने इस गेम को एक और फोन के ऊपर ट्राई किया iPhone 12 Pro Max के ऊपर, और उस पर तो ये गेम डेफिनेटली चलनी ही चलनी थी, लेकिन मैं काफी हद तक फ्यूरियस भी था और मुझे इस बात का गुस्सा भी था कि जैसे मेरे जैसे लोग जिनके पास मिड रेंज मोबाइल फोन होते हैं, जिनके पास स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 या 8 Gen 1 नहीं है, वो इन गेम्स को कैसे ट्राई करेंगे और वो इन गेम्स को कैसे खेल सकते हैं। लेकिन खैर, अगर आप लोगों को ये गेम ट्राई करनी है तो आप लोगों के पास iPhone XS Max या उसके ऊपर वाला मोबाइल होना चाहिए, लेकिन अगर आप लोगों ने एंड्रॉइड फोन के ऊपर ये गेम ट्राई करनी है तो आप लोगों के पास स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 या स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 होना चाहिए, तब भी आप इस गेम को स्मूथली रन कर सकते हो अपने मोबाइल फोन्स के ऊपर। अब अगर मैं अपने पर्सनल ओपिनियंस की बात करता चलूं, क्योंकि मैंने इस गेम को खुद ट्राई करके देखा है और ट्राई भी मैंने iPhones के ऊपर किया है, और मुझे ऐसा लग रहा था कि iPhone काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं और वो ऐसी गेम्स को तो इजीली रन कर सकते हैं, लेकिन काइंड ऑफ मुझे ये गेम्स स्मूथ नहीं लगी। मुझे काफी हद तक ऐसा लगा कि ये गेम्स कहीं ना कहीं लैग जरूर कर रही हैं। और दूसरा, अगर आप लोगों ने क्लासिक GTA San Andreas या क्लासिक GTA Vice City या GTA 3 खेली हुई है, तो जब आप लोग इन गेम्स को ट्राई करोगे तो आप लोगों को पहली बार में ये गेम GTA की तरह लगेंगे ही नहीं, क्योंकि इनके कलर्स काफी ज्यादा ब्राइट दिए गए हैं। ये गेम्स क्लासिक गेम्स की तरह तो बिल्कुल नहीं लगती। इवन इन लोगों ने एंड्रॉइड फोन्स के ऊपर काफी हद तक ये फीचर्स दिए हुए हैं कि हम इनको क्लासिक लुक दे सकते हैं, कुछ ऐसे लाइटिंग इफेक्ट्स दिए हुए हैं जिनको हम मेन्यू में जाकर ऑन कर सकते हैं, लेकिन जब अगर आप लोग वो भी ऑन कर लेते हो तो इन गेम की लुक काफी ज्यादा पैथेटिक हो जाती है। तस्वीरों में देखने में, स्क्रीनशॉट्स में देखने में, वैसे देखने में तो बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही होती है, लेकिन जब आप लोग पर्सनली तौर पर इन गेम्स को खेलोगे तो आप लोग मेरी बात से काफी हद तक रिलेट कर पाओगे कि ये गेम्स दूर दूर तक GTA क्लासिक्स की तरह बिल्कुल भी नहीं लगती। मैंने PC गेम प्लेस भी देखे हुए हैं, मैंने मोबाइल फोन्स के गेम प्लेस भी देखे हैं, और मैं ये बात कर सकता हूँ कि PC में फिर भी कहीं ना कहीं ये गेम अच्छी लग रही होती है, लेकिन PC में बहुत ज्यादा बग्स एंड ग्लिचेस थे। मोबाइल फोन्स में इतने ज्यादा बग्स और ग्लिचेस तो नहीं है, लेकिन मोबाइल फोन्स के ऊपर इन गेम्स की लुक, इन गेम्स की फील बहुत ज्यादा पैथेटिक सी है, ये गेम्स खेलने में बिल्कुल भी मजा नहीं है। और मैं आप लोगों को अगर पर्सनल ओपिनियन देता चलूं तो मैं आप लोगों को यही कहूंगा कि भाई अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट ना करना GTA Trilogy Definitive Edition मोबाइल फोन्स पे खेलने के लिए, क्योंकि बहुत से लोग डेस्परेट होंगे इन गेम्स को खेलने के लिए और बहुत से लोग चाह रहे होंगे वो नेटफ्लिक्स के सब्सक्रिप्शन लें और इनको एक बार ट्राई करके देखें। हो सकता है कि अगर आप लोग ट्राई करो इन गेम्स को अपने फोन के ऊपर तो हो सकता है आप लोगों को बहुत ज्यादा अच्छी लगे, लेकिन पर्सनली तौर पर क्योंकि मैंने GTA क्लासिक्स खेलकर देखी हुई है PC के ऊपर भी और मोबाइल फोन्स के ऊपर भी, तो मुझे ये गेम्स बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। तो यार, ये वीडियो जो कि मैं आप लोगों के लिए बनाना चाहता था, मुझे उम्मीद है आप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। और अगर आप लोगों ने ये गेम खेली हुई है मोबाइल फोन्स के ऊपर तो आप लोग मुझे अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकते हो, और आप लोग ये भी बताना कि आप लोगों ने किस चिपसेट पे और कौन से मोबाइल पे खेले हुए हैं, ताकि मुझे मजीद आइडिया हो सके। तो अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना, मैं तुम लोग से मिलता हूँ अगली वीडियो में एक बड़े मजे के टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।